हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और कप्तान के घर को, यानी कि रोहित शर्मा के घर को। तो उनका घर कहां पर है, कैसा है, किस लोकेशन पे है और उस घर का क्या नाम है और वो जिस घर में रहते हैं उस घर के वो किस फ्लोर पर रहते हैं और उसका कितना कीमत है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा। क्योंकि हम उनके घर के पास में आ गए हैं और उनके के घर के पास में ही है, तो अभी हम उनके मेन गेट के पास भी चलेंगे और आपको अच्छे से दिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके के काफ़ी सारे वीडियो लेकर आते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं रोहित शर्मा के घर को। तो दोस्तों ये जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रहा है, इसी बिल्डिंग में रहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और कप्तान जो है रोहित शर्मा, इसी घर में रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये घर कितना शानदार आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये घर जो है मुंबई के वर्ली में स्थित है। आप लोग देखिए कितना शानदार दिख रहा है। और अभी हम है स्वर्गीय मोतीराम नामदेव तांडेल चौक के पास, जहाँ से उनके घर को हम अभी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, और अभी हम उनके घर के पास में ही जाने वाले हैं। तो यहाँ से जाने के लिए ये देखिए इधर ये जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा है, इसी रास्ते से हम जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उनके घर के पास और आपको दिखाते हैं रोहित शर्मा के घर को। तो दोस्तों ये जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा है, इस रास्ते से सीधा उस पार जाएंगे जहाँ पे देखिए उधर से गाड़ी आ रहा है। और यहाँ से दिखा है तो रोहित शर्मा का घर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और इस घर का नाम है यहूजा टावर। तो दोस्तों अभी हम यहूजा टावर के पास में चलेंगे और आपको अच्छे से दिखाएँगे कि वो किस फ्लोर पर रहते हैं और उनका घर कैसा है। तो चलिए अब चलते हैं उनके घर के पास और आपको दिखाते हैं। तो पहले हम उस पार पहुँचते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम रोड के उस पार से इस पार आ गए हैं और ये जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा है, इसी रास्ते से हल्का सा आगे जाने पर, यानी कि करीबन 50 मीटर की ही दूरी पर आगे चलेंगे तो उनका घर आ जाएगा। तो चलिए पहले पहुंचते हैं रोहित शर्मा के घर के पास और फिर आपको दिखाते हैं और भी जानकारी आपको देते हैं कि ये घर कहाँ पर कैसा है। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं रोहित शर्मा जिस घर में रहते हैं उस घर के मेन गेट के पास। आप लोग देख सकते हैं इस घर का मेन गेट कितना शानदार है और इसी गेट से रोहित शर्मा और इसमें जो भी लोग रहते हैं वो इसी गेट से एंट्री करते हैं। और इस एंट्री गेट के बगल में ही देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा घर ही बनाया गया है जिस पर लिखा हुआ है आहूजा टावर, जो कि इस बिल्डिंग का नाम है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और देखिए वहाँ पर एक गार्ड भी है जो कि खड़े हैं। और आप लोग देख सकते हैं ऊपर तक देखें तो ये जो जितना भी फ्लोर आपको दिख रहा है ये सब के सब गाड़ी पार्किंग एरिया है। तो चलिए अब हम इस बिल्डिंग के नज़दीक से चलते हैं और आपको दिखाते हैं अच्छे से। तो दोस्तों अब हम रोहित शर्मा के घर के बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इस बिल्डिंग को काफ़ी शानदार तरीके से ये बिल्डिंग दिख रहा है और ये बिल्डिंग पूरा आपको ऊपर तक दिखाया तो कुछ इस प्रकार से। और ये पूरा ना 53 फ्लोर का है जिसमें से 29वें फ्लोर पे रोहित शर्मा रहते हैं। और इसके बगल में ये जो फ्लोर आपको दिख रहा है, बिल्डिंग आपको दिख रहा है, इसी बिल्डिंग में विराट कोहली रहते हैं और इस बिल्डिंग का नाम है ओमकार 9073। और ये दोनों बिल्डिंग काफ़ी नज़दीक में ही है, तो आप वहाँ पर भी जाना चाहते हैं तो इस बिल्डिंग के पास से अगर जाएँगे तो 5 से 7 मिनट में पहुँच जाएँगे। और यहाँ पर देखिए घड़ी पर लिखा हुआ है आहूजा टावर, तो आप देख सकते हैं। और इसके आसपास का सीन देखे तो काफ़ी शानदार है और इधर देखिए काफ़ी शानदार रास्ता है और वो उसका मेन रोड था। और यहाँ से देखे तो ये इसका मेन एंट्री है इस घर का जहाँ पे रोहित शर्मा रहते हैं। तो दोस्तों रोहित शर्मा का जो ये घर है आहूजा टावर, इसके वो 29वें फ्लोर पे रहते हैं और वो 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और उस घर में स्टडी रूम, बालकनी रूम, गार्डन, जिम, यानी कि हर सुविधा उपलब्ध है। और इसके नीचे का सीन आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे देखिए कितने सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये आहूजा टावर का दूसरा सेकेंड गेट है, यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे गार्ड भी है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।